ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह की है। जोधपुर में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह के कार्यक्रम में उस वक्त हंगामा हो गया जब कार्यक्रम के बीच ही छात्र नेता रविंद्र सिंह भाटी और उसके साथियों ने कुलपति डॉक्टर पीसी त्रिवेदी को काले झंडे दिखाना शुरू कर दिए। छात्रों ने कुलपति के खिलाफ नारेबाजी भी की। ये छात्र विश्वविद्यालय के रिटायर कर्मचारियों की रुकी हुई पेंशन दिलवाने के लिए आए थे। कार्यक्रम में हुई इस आपाधापी को रोकने के लिए पुलिस को भी बीच में आना पड़ा। जब यह हंगामा हो रहा था उस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र भी वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़े हुए थे। विश्वविद्यालय के कर्मचारी अपनी रुकी हुई पेंशन को जारी करने के लिए अपना ज्ञापन देने के लिए आए थे। उसके बाद कर्मचारी नेता और छात्रों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद मौके पर पुलिस को बुलानी पड़ी। पुलिस के साथ में छात्र नेता और कर्मचारियों की हाथापाई भी हुई। रविंद्र सिंह भाटी के साथ पहुंचे छात्रों की वजह से पूरा कार्यक्रम अस्त व्यस्त हो गया। हंगामे के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपनी स्क्रीन को म्यूट कर ली और लाइव स्ट्रीमिंग भी रोक दी गई। छात्रों और कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम को शायद इसीलिए चुना होगा क्यों ताकि उनकी बात सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच सके। एमबीए यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के दौरान कुछ उद्योगी छात्रों द्वारा कार्यक्रम के अंदर घुसकर मंच पे कार्यक्रम बाधा पहुंचाने और गाली गलौज करने का सूचना मिली, जिस पर जाब्ता भेजा गया है। उपयोग करने वाले कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया और शांति व्यवस्था बनी हुई। उनका अलग मुद्दा है, वो अपने तरीके से ज्ञापन दे रहे हैं, उसमें कोई पुलिस का रोल नहीं। पिछले 30 वर्षों से पेंशन विश्वविद्यालय देते आ रहा है। जब से त्रिवेदी साहब पधारे हैं ये पेंशनर अपने सड़कों पर आ गए हैं। हर माह अपने पेंशन के लिए रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, घेरा कर तब इनको पेंशन दी जाती है। जो भी फैमिली पेंशनर है, जो विडो महिलाएं हैं, वो भी आती रोती है करती है, तो इनके विश्वविद्यालय प्रशासन में जू तक नहीं रहती है। सरकार ने इनको कहा कि भी आप पेंशन दीजिए, समय पर दीजिए। राज्य सरकार पेंशन देती है। राज्य सरकार ने ग्रेजुटी का आदेश 20 लाख का किया, इन्होंने 10 लाख ही दे रही है। कम्यूटेशन ये बंद कर रहे हैं, कर्मचारियों के पीएल का भुगतान नहीं कर रहे हैं। कल हम भी रिटायर होंगे, हम भी स्थिति में 5 साल के बाद में रिटायर होंगे, कुछ 4 साल के बाद में रिटायर होंगे। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहे, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।